हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों मिस कर रहे थे ना मेरे को इतने दिनों से। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और एक्साइटिंग वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपनी पिक्चर कैसे एडिट कर सकते हैं इस तरीके की, जिसे मैंने अपने इंस्टाग्राम पर थोड़ी देर पहले डाली थी और बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई आपने एडिट कैसे करी है ब्लू और पर्पलिश टोन में। अब बहुत से सेलिब्रिटीज इस टाइप की फोटो खिंचाते तो नॉर्मल ही हैं, बट स्टिल इस टाइप से एडिट करते हैं, थोड़ी अच्छी लगती है, क्लासी लगती है देखने में। तो इस टाइप की आप एडिट कैसे कर सकते हैं सिर्फ अपने फ़ोन से। अब इस फोटो के नीचे कमेंट आएंगे भाई तूने तो, शक कर रहे हैं लोग मुझ पर कि भाई तूने तो ये पीसी से एडिट करी है, तूने ये अडोबी प्रीमियर अडोबी लाइट रूम से एडिट करी है, तूने फोटोशॉप लगाया है, इस पर बहुत सारी चीज़ें करी है, तो शक कर रहे हैं मेरे पे। इससे पहले शक शकीरा में बदले अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग आप लोगों को प्रूफ देने वाले हैं कि हम इससे एडिट करेंगे। किसी भी फ़ोन से आप कर सकते हो, बस आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है और ये एप्लीकेशन है अडोबी लाइट रूम। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ऐप स्टोर पर अवेलेबल है, ईजिली डाउनलोड कर लो और फिर आपका काम बन जाएगा। तो आप लोग अब देख पा रहे हो स्क्रीन पे मेरा फ़ोन आप लोगों को दिख रहा होगा, तो जो फोटो मैंने एडिट करी थी वो ये फ़ोटो थी। देख सकते हो यहाँ पे कैसी लग रही है फ़ोटो, और इसको हमने ऐसा ऐसा कर दिया था, बिल्कुल ब्लू और पिंक वाले टोन आ रहे हैं, देखने में अच्छे लग रहे हैं। इस फोटो को हमने ऐसा कर दिया था। अब आप इसको कैसे करेंगे ऐसा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लाइट रूम में जाना है। तो लाइट रूम अपन ने डाउनलोड कर रखी है, तो लाइट रूम में जाएंगे। लाइट रूम में जाने के बाद यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो है उसे ऐड करना है। तो नीचे ऐड के आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपनी फ़ोटो उठाएंगे आप। या ये ऑलरेडी एडिटेड है, देख सकते हो ये फ़ोटो ऐसी थी बिफोर इसका यहाँ पे आ गया, आफ्टर ये रहा, बिफोर इसका ये रहा, आफ्टर इसका ये रहा। तो हमने कैसे करा, हम दूसरी फ़ोटो को भी इस तरीके से एडिट कर सकते हैं। मोस्टली जो फोटो आप रात में खींचते हो ना, उन पे इस टाइप का इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आता है। क्यों ज़्यादा अच्छा आता है, वो इसलिए अच्छा आता है क्योंकि फ़ोटो रात में ली जाती है, तो जो ब्लू और पिंक टोन है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हम इस फोटो के यहाँ पे ब्लू और पिंक डालने वाले हैं। वैसे मैंने यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले लाइट में, नीचे देख सकते हो सूरज सा जो चमक रहा है ये लाइट है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, एक्सपोजर, कंट्रास्ट, हाईलाइट्स, शेडोज़, वाइट्स एंड ब्लैक्स। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोजर को तो यहाँ पे छेड़ूंगा नहीं मैं बिल्कुल भी, कंट्रास्ट को हल्का सा कम करूँगा, मतलब लेफ्ट में जाओगे तो कम होगा, राइट में जाओगे तो बढ़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो कंट्रास्ट को थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि वैसे ही मैंने चमक धमक वाली टी शर्ट पहन रखी है यहाँ पे, तो उसका कंट्रास्ट थोड़ा कम कर देंगे। हाईलाइट्स को भी थोड़ा सा कम कर देंगे, शेडो जितना मैं कम कर रहा हूँ आपको उतना कम करने की ज़रूरत नहीं है, बट देख लेना कि आपके फ़ोन में ठीक लगे, मतलब आपकी पिक्चर में ठीक करे। एक प्रो टिप दूंगा, जब भी आप एडिट करें कोई भी फोटो तो अपनी फ़ोन की ब्राइटनेस फुल कर लें ताकि आपको अच्छा देखने में मिल लगे। तो फुल कर लें ब्राइटनेस, उसके बाद हाईलाइट्स यहाँ पे कम कर लीजिए आप, जितना मैं कर रहा हूँ उतने कम करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आपको कम ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि हाईलाइट्स यहाँ पे ऑलरेडी हैं। शेडो को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, शेडो को हम उतना ही बढ़ाएंगे जितना हमने ब्राइटनेस जो हाईलाइट्स हैं वो कम करी है, मतलब जितना नेगेटिव हाईलाइट्स करी है उतना ही पॉजिटिव हम शेडोज़ कर देंगे। तो शेडोज़ हम यहाँ पर कर देंगे 26 के अराउंड। वाइट्स हैं तो वाइट्स को भी हम कम करेंगे यहाँ पे क्योंकि वाइट्स हमें चाहिए नहीं ज़्यादा। ब्लैक्स को थोड़ा बढ़ा देंगे क्योंकि जो बाल वाल हैं वो ब्लैक हैं तो अच्छे लगेंगे, ब्लैक स्पॉट्स थोड़े निखर के आएंगे। तो ये सब चीज़ कुछ इस तरीके की आपको करनी है। उसके बाद आपको कलर के टैब में जाना है, एक्सपोजर से छेड़छाड़ नहीं करनी है, कलर के टैब में जाना है। यहाँ पे आप लोग देखो तीन चीज़ें हैं, टेम्परेचर है, टिंट है, वाइब्रेंस है, सैचुरेशन है। टेम्परेचर का लेफ्ट साइड में ब्लू है और राइट साइड में थोड़ा येलो स्टोन जा रहा है, मतलब वार्म और कूल, लेफ्ट साइड में कूल है और राइट साइड में वार्म है, तो अपने को कूल करनी है इमेज। तो अपन जाएंगे इसका टेम्परेचर इधर शिफ्ट करेंगे, देख लो आपकी फ़ोटो के हिसाब से क्या अच्छा लग रहा है, मुझे 50 के अराउंड सही लग रहा है, तो अपन 50 चले जाएंगे। अब जो नीचे टिंट है वो पिंकिश साइड में ले जाएंगे, तो वो भी अपन ले जाएंगे 19-20, ज़्यादा ले जाएंगे तो फिर देख सकते हो पूरा ही ख़राब हो गई है फ़ोटो। तो अपन यहाँ पे इसको ले जाएंगे अराउंड 22 के अराउंड, 22 मेरे को ठीक लग रहा है। अभी से देखो चेंजेस आना स्टार्ट हो गए हैं, पहले फ़ोटो कैसी थी अब कैसी हो गई है। वाइब्रेंस को हम कम करेंगे, वाइब्रेंस को हमें ज़्यादा नहीं चाहिए तो वाइब्रेंस कम करेंगे। सैचुरेशन हमें चाहिए तो सैचुरेशन बढ़ा देंगे, देख सकते हो लग रही है ना फेडेड बिल्कुल मस्त फोटो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहीं पे मिक्स का ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है तो आपको मिक्स के टैब में जाना है। मिक्स के टैब में जाना इसलिए क्योंकि आपके सारे कलर चेंजेस नहीं हुए हैं, तो मिक्स के टैब में जाओगे तब अच्छे से चेंज हो पाएंगे। तो मिक्स के टैब में जाएंगे, यहाँ पे और कलर्स आ गए जैसे रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, एक्वा हो गया, इस टाइप के कलर्स हैं। अब रेड के आइकन में भी आप देख सकते हो ह्यू है, सैचुरेशन है और ल्यूमिनेंस है। अब इन तीन चीज़ों को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ह्यू को मैं थोड़ा सा कम करूँगा, लेके जाऊँगा इसको यहाँ पे। सैचुरेशन को हम थोड़ा कम करेंगे, सैचुरेशन को नहीं छेड़ेंगे हम, ल्यूमिनेंस को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ल्यूमिनेंस को
देख सकते हो इमेज अच्छी लग रही है, ऑरेंज कलर के भी साथ सेम हम ऐसा करेंगे, थोड़ा इसको ऑरेंज की तरफ लेके जाएंगे, मतलब देख लो खुद दिख रहा है, जहाँ जहाँ आपको पिंक थोड़ा दिखे तो पिंक की साइड ले जाओ अपना स्लाइडर, और ल्यूमिनेंस थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ा देंगे, सैचुरेशन छेड़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे भी। येलो ग्रीन कलर तो हमारी फोटो में ही नहीं है, हाँ ग्रीन कलर की शर्ट पहन रखी है बट स्टिल मेजर कलर नहीं है वो, तो उसको छोड़ देंगे। एक्वा कलर में आपको देख सकते हो यहाँ पे एक्वा की साइड जा रहा है, तो अपन हम एक्वा की साइड इसको लेके जाएंगे ऐसे, ये देखो एक्वा हो चुका है, सैचुरेशन को हम ऐसे लेके जाएंगे आगे की तरफ, और ल्यूमिनेंस को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो फोटो कुछ ऐसी लग रही है। अब यहाँ पे ब्लू कलर है, ब्लू कलर में भी यहाँ पे आपको इस तरीके से देख सकते हो एक्वा कलर आ गया यहाँ पे, तो क्या मस्त लग रहा है फोटो यार। अब ऐसे लेके जाएंगे हम, तगड़ा लग रहा है भाई, ऐसा लेके जाएंगे। अब पिंक है, अब उसको पिंक की तरफ लेके जाएंगे या इस तरफ लेके जाएंगे, तो अपन पिंक की तरफ लेके जाएंगे ताकि फेस पे देख सकते हो बिल्कुल इल्यूमिनाटी लुक आ रहा है इल्यूमिनाटी लुक, हाँ तो ऐसे ही लेके जाएंगे। सैचुरेशन को बढ़ा देंगे थोड़ी सी, और ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा कम, मतलब 10 के आसपास रखेंगे, ताकि देख रहे हो बिफोर और आफ्टर लग रहा है कहीं से कि ये फ़ोन से हो सकता है, बट हुआ तो फ़ोन से ही आपके सामने हुआ है, तो शक शकीरा में मत बदलवाओ, असलियत में बदलवाओ। तो यहाँ पे ये ह्यू है, इसको भी हम थोड़ा सा पिंक की तरफ लेके जाएंगे। सैचुरेशन यहाँ पे देख लो, मेरे को लगता नहीं है, हाँ इतना ठीक लग रहा है। ल्यूमिनेंस को भी हम इतना रख देंगे, क्योंकि ल्यूमिनेंस बढ़ा रहा हूँ तो एक बार मेरी जो शर्ट है उसका जो पिंक पार्ट है वहाँ देखो, वहाँ पे कलर ब्राइट लाइट हो रहा है, तो इस तरीके से रखेंगे, डन। तो इस तरीके से आप अपनी एड कर सकते हैं। यहाँ पे इफेक्ट में जाएंगे, क्लियरिटी बढ़ा दीजिए थोड़ी पिक्चर की, ताकि क्लियर लगे। यहाँ पे जो ये डिहेज है, डिहेज को हम नहीं छेड़ेंगे, ये तो विनेट है, विनेट को हम छेड़ेंगे, विग्नेट आप बोलेंगे बहुत लोग के भाई ये तो विग्नेट है, बट यार जी साइलेंट होता है, तो विनेट को यहाँ पे हम थोड़ा कम करेंगे ताकि साइड से आपको ब्लैक ब्लैक लगे और देखने में और तगड़ा लगे। फेदर थोड़ा सा डाल देंगे, फेदर से क्या होता है इमेज थोड़ी स्मूथ हो जाती है, थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है, ऑलरेडी 50 होता है तो 55 कर देंगे, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। डिटेल में आप शार्पनिंग चाहो तो थोड़ी सी बढ़ा सकते हो, अगर आपको लगे तो इस तरीके से आप बढ़ा सकते हो शार्पनिंग। वैसे मेरी फोटो में तो एकदम भाई क्या लुक आई है फोटो की, देख रहे हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। रेडियस मास्किंग, नॉइस रिडक्शन, नॉइस अगर आपको हटानी है तो थोड़ा बहुत कर सकते हो, मुझे लगता है इसको 20 पे रखना चाहिए, 20 पे नॉइस थोड़ी सी कम हो जाती है, नॉइस मतलब जो झरझराहट होती है फोटो में वो थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इस तरीके से आप लोग रख सकते हो और देखने में काफ़ी कूल लग रही है। अब यहाँ पे हम इसको ओके डन, बाकी तो और कुछ है नहीं, ज्योमेट्री है राइट कर देंगे। अगर आपको यही इफेक्ट किसी और फोटो पे भी डालना है तो आप बोलोगे क्या यार हमें फिर से इतना सब करना पड़ेगा, पहले का ही समझ नहीं आया भाई तू क्या करवा रहा है हमसे, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ क्या करना है। अगर आपने एक बार अपनी किसी फोटो को एडिट कर लिया इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, ये तीन डॉट पे जाना है, यहाँ पे आपको कॉपी सेटिंग्स करनी है, ये सारी सेटिंग्स आ जाएंगी, कॉपी कर लो इसको, ठीक है। इसको तो हम निकाल लेते हैं सेव टू कैमरा रोल्स, क्योंकि भाई फोटो बहुत फाड़ आई है, इसको इंस्टा पे डालूंगा जल्दी। बाय द वे मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज़ कर लो, प्लीज़ हाय फॉलो कर लो, प्लीज़ 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 फॉलो कर लो, तो प्लीज़ फॉलो कर लो। यहाँ पे रेंडरिंग हो चुकी है, उसके बाद यहाँ पे अगर किसी और फोटो में आपको यही सेम इफेक्ट डालना है, जैसे दिन की फोटो पे ये इफेक्ट बहुत घटिया लगता है, मैं आपको लोग दिखा दे रहा हूँ, ये देखो ये दिन की फोटो है, इस पे अगर मैं ये डालूंगा तो पेस सेटिंग देखो कितनी घटिया लग रही है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर रात की फोटो पे डालेंगे तो यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए, ऐड करने के लिए आपको कौन सी फोटो पे डालना है, फॉर एग्जांपल रात में मैंने कोई फोटो खींची भी है नहीं खींची यार कोई फोटो नहीं है रात की, चलो इस पे ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे, इसको ओके कर देंगे, तो अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, पेस सेटिंग पे जाना है, देख सकते हो बिल्कुल हॉरर इफेक्ट आ गया। तो दोस्तों आई होप आप सभी को पसंद आई होगी वीडियो, भाई पसंद आनी चाहिए वीडियो, पसंद आई होगी तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, और कमेंट में बताओ कि आप इस तरीके की फोटो एडिट करना चाहते हो, अगर कर ली अभी तक वीडियो देखते देखते तो क्या बात है यार, लेजेंड हो, सलाम है तुम लोगों को। तो बस मैं मिलता हूँ सभी को एक एक्साइटिंग वीडियो में, और जल्दी मिलता हूँ आपकी, बाय बाय बाय।